हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता नीटिंग में अनीता तो आपका या अपने चैनल हैंड नीटिंग विद अनीता में आपका अपना स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको नई स्वेटर बनाना शुरू किया है, तो मैं इसका आपको बॉर्डर बनाने के बारे में बताती हूँ। जो आपकी वीडियो में आ रही है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी। हाँ फ्रेंड्स, अब ये मैं आपको बॉर्डर के बारे में बताऊंगी। मैं अब ये 3 साल की बच्ची का स्वेटर बना रही, फ्रॉक टाइप में बना रही हूँ। तो मैंने उसमें 50 फंदे डाले हैं। अब उसके अंदर जो बॉर्डर मैंने आपको दिखाया है उसके बारे में मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने अभी इसमें 20 फंदे डालकर दिखा रही हूँ। तो ये 20 फंदे डाले, उसके बाद एक सिलाई मैंने सीधी सीधी बनाई है। अब सीधी बनाने के बाद दूसरी सिलाई में मैंने पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा उल्टा, पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा उल्टा, पहला फंदा सीधा और दूसरा फंदा उल्टा, ऐसे मैंने ये पूरी की पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। बिल्कुल आसान बॉर्डर है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। बच्चे के स्वेटर में, फ्रॉक में, लेडीज़ कार्डिगन में, लेडीज़ जैकेट में, आप किसी में भी इसको डाल सकते हैं। ना ये ढीला होता है, बहुत ही अच्छा लगता है और बिल्कुल आसान है। अब अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं लाइकन की घंटी को बजाना ना भूलें, ताकि मैं आपके नए नोटिफिकेशन को आपको मिलते रहें आपको। अब आपको क्या करना है, ये देखो, ये सीधा दूसरे सिलाई में पहला फंदा जो सीधा दिख रहा है इसको अब आपने उल्टा बनाना है। दूसरा फंदा उल्टा दिख रहा है इसको अब आपने सीधा बनाना है। फिर वही सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा, पूरी सिलाई को आपने ऐसे ही कंप्लीट करना है। और तीसरी सिलाई में भी ऐसे, अगर सीधा है तो सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे को सीधा, जितना आपने बॉर्डर चाहिए उतना आप बना ले। उससे आगे का, आगे जो ऊपर का डिजाइन है मैं वो आपको फिर दिखाती हूँ।